अब तक जो रिपोर्ट आया है वो अपने दर्शकों से हम साझा करेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत को लेकर थोड़ा चिंता तो जरूर है। 2019 के तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हो रहा है, ये बात चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है और निर्वाचन आयोग के लिए भी है। देखिए आज मौसम अच्छा है, आज मौसम बड़ा सुहावना है बिहार में। अभी थोड़ी देर पहले आंधी भी आया था पटना में, हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पटना में अभी आंधी आया था, अभी भी अच्छा हवा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह फर्स्ट फेज में हुआ कि भाई बहुत गर्मी है, सेकंड फेज में बहुत गर्मी है, इस फेज में कहाँ उतना गर्मी था। एक तरफा वोट जो है वो यादवों का चला गया था, कारण है कि वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को दे दिया गया टिकट महागठबंधन की तरफ से, तो इस बार यादव को लाया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद शुभम, जो रिपोर्ट आया है अब तक, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में लीड ले रहे हैं हर बूथ से, वहाँ पर करीब 15-20 बूथ से तो हमारी भी बात हुई है, संपर्क हुआ है, हम प्रयास किए हैं जाने का कि क्या रिपोर्ट आ रहा है, किधर वोट टर्नआउट है। तो एक जो मोटा मोटी जो लमसम जो रिपोर्ट दरभंगा से निकल कर आया है, वहां पर ललित यादव पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब जहां भूमिहार बेल्ट है, जहां भूमिहार बेल्ट है वहां ललन सिंह लीड लिए हैं, जहां पिछड़ा बेल्ट है वहां पर अशोक महतो लीड लिए हैं। लेकिन इसके बीच जिस निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा हम बार बार करते हैं, पीयूष प्रत्याशी, वो भी टाल में पहले नंबर पे हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। हो सकता है कि 4 जून को ये भी परिणाम आ जाए कि अशोक महतो 25,000 वोट से जीत गया, 50,000 वोट से जीत गया, कम मार्जिन से जीते, लेकिन अशोक महतो जीत भी सकते हैं मुंगेर, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। देखिए समस्तीपुर कांग्रेस जीत रही है सुबह, समस्तीपुर एकदम दावे के साथ हम कह रहे हैं कि समस्तीपुर कांग्रेस निकाल रही है। सन्नी हजारी जो है वो वहां पर लीड ले रहे हैं। ये खबर भी तो चल ही न रहा था कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर, जदयू अंदर ही अंदर महेश्वर हजारी के साथ दे रहे थे। इस खबर पे शायद 4 जून को मुहर भी लग जाएगा। दोस्तों आज 13 मई को बिहार के 5 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय शामिल थे। देखिए इन 5 सीटों पर मतदान जो है उसका प्रतिशत लगभग 50% रहा है। शाम के 5 बजे तक जो रिपोर्ट आया है उसमें दिया गया है कि 50% जो है मतदान हुए हैं। अब इन सभी सीटों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इन सीटों पर किसका दबदबा होगा, क्या एनडीए जो है लीड हासिल करेगी। जिन 4 सीटों पर डायरेक्ट एनडीए यानी कि भाजपा के साथ राजद का मुकाबला है, 1 सीट पर शांभवी चौधरी का मुकाबला जो है वह कांग्रेस के उम्मीदवार से है। तो कहीं ना कहीं इन 5 सीटों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित नारायण मौजूद हैं। क्या लग रहा है, 4 सीट पर राजद से भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला है और 1 सीट पर कांग्रेस से, क्या कुछ कहेंगे, किसका दबदबा है, कौन लीड कर रहा है इन 5 सीटों पर? देखिए 3 सीटों पर बीजेपी का है, मुंगेर में जदयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह। वोटिंग अब लगभग खत्म हो चुका है, हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं करीब शाम के 5:45 हो रहा है, तो लगभग अब 1 घंटा लास्ट टू लास्ट, मतलब अब वोटिंग एंड पर ही है। क्या रिपोर्ट आ रहा है, किसकी तरफ जीत दिख रहा है, ये और आज का सीट खासकर समस्तीपुर बड़ा चर्चा में था, मुंगेर पे खुद ललन सिंह लड़े हैं, दरभंगा में भी चर्चा था कि दरभंगा से क्या होगा, भाई ललित यादव जीतेंगे कि गोपाल जी ठाकुर फिर से रिपीट करेंगे, उजियारपुर में नित्यानंद राय का इज्जत जो है वो साख पर लगा हुआ है, दाव पर लगा हुआ है। अब तक जो रिपोर्ट आया है वो अपने दर्शकों से हम साझा करेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत को लेकर थोड़ा चिंता तो जरूर है। 2019 के तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हो रहा है, ये बात चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है और निर्वाचन आयोग के लिए भी है। देखिए आज मौसम अच्छा है, आज मौसम बड़ा सुहावना है बिहार में, अभी थोड़ी देर पहले आंधी भी आया था पटना में, हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पटना में अभी आंधी आया था, अभी भी अच्छा हवा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह फर्स्ट फेज में हुआ कि भाई बहुत गर्मी है, सेकेंड फेज में बहुत गर्मी है, इस फेज में कहाँ उतना गर्मी था। लेकिन वोटिंग प्रतिशत उस तरीके से नहीं हुआ जो 2019 में था, तो ये थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। अब शुरुआत हम दरभंगा से करते हैं कि दरभंगा में क्या हुआ। देखिए दरभंगा लोकसभा की जहाँ तक बात है, गोपाल जी ठाकुर इस बार थोड़ा वहाँ कमज़ोर प्रत्याशी थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी था उनके खिलाफ। दरभंगा एम्स का मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसको लेकर सांसद की ही छिछा लेदर हुई पूरी तरीके से। ललित यादव इस बार, हालांकि पिछले बार वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे, लेकिन इस बार प्रत्याशी चेंज किया गया, यादव प्रत्याशी को लाया गया, क्योंकि कहा गया कि पिछले बार वहाँ पर यादव जो है वो बीजेपी को वोट कर दिए थे, एक तरफा वोट जो है वो यादवों का चला गया था, कारण है कि वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को दे दिया गया टिकट महागठबंधन की तरफ से, तो इस बार यादव को लाया गया। लेकिन इतना होने के बावजूद शुभम, जो रिपोर्ट आया है अब तक, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में लीड ले रहे हैं हर बूथ से, वहाँ पर करीब 15-20 बूथ से तो हमारी भी बात हुई है, संपर्क हुआ है, हम प्रयास किए हैं जाने का कि क्या रिपोर्ट आ रहा है, किधर वोट टर्नआउट है। तो एक जो मोटा मोटी जो लमसम जो रिपोर्ट दरभंगा से निकल कर आया है, वहाँ पर ललित यादव पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए प्रत्याशी के चयन में इस बार थोड़ा सा गलती महागठबंधन से हुआ, ललित यादव विधायक हैं,
मंत्री थे अभी तक जब सरकार थी तो, लेकिन सांसद ही लड़ने के लिए शायद वो चेहरा फिट नहीं था। और इसलिए जो कहा जा रहा है कि वहाँ के जो यादव हैं वो भी थोड़ा सा टर्नआउट हो गया है बीजेपी की तरफ इस बार फिर दरभंगा में। देखिए ब्राह्मण और यादव बाहुल इलाका है, इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं दरभंगा में वो तो बीजेपी के साथ इस बार फिर रही हैं, 5 किलो अनाज वाला मुद्दा है, तो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो है वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं शुभम। और मुंगेर के लिए क्या कहेंगे, मुंगेर के, मुंगेर में ललन सिंह है सामने, कई प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशियों की चर्चा है, काफ़ी हॉट सीट भी अनंत सिंह के आने के बाद हो गया था, मुंगेर में क्या है स्थिति? देखिए मुंगेर सीट जो है वो फंस गया है, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन जीत रहा है, एक अनुमान अगर लगाया जाए तो ललन सिंह जीत रहे हैं मुंगेर, लेकिन ये कहना पूरे तथ्यात्मक तौर पर और दावे के साथ गलत होगा। अशोक महतो भी कहीं कहीं लीड ले लिए हैं, खासकर जमालपुर का जो इलाका है, खड़गपुर का जो इलाका है, लखीसराय का जो इलाका है, इन इलाकों में अशोक महतो लीड लिए हैं, लेकिन जो हाथी दह मोकामा बाढ़ का जो इलाका है, मतलब जहाँ भूमिहार बेल्ट है वहाँ ललन सिंह लीड लिए हैं, जहाँ पिछड़ा बेल्ट है वहाँ पर अशोक महतो लीड लिए हैं, लेकिन इसके बीच जिस निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा हम बार बार करते हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो भी टाल में पहले नंबर पे हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि पीयूष प्रियदर्शी टाल में पहले नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन लड़ाई वहाँ पर ललन सिंह और अशोक महतो के बीच ही है, सीट फंसा हुआ है, लेकिन एक मोटा मोटी अरमान पूछिएगा तो वो सीट ललन सिंह निकाल रहे हैं। हो सकता है कि 4 जून को ये भी परिणाम आ जाए कि अशोक महतो 25,000 वोट से जीत गए, 50,000 वोट से जीत गए, कम मार्जिन से जीते, लेकिन अशोक महतो जीत भी सकते हैं मुंगेर, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। देखिए लखीसराय के कुछ बूथ पर जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, यहाँ पर जो मुकामा है, टाउन जो मुकामा है, वहाँ पर भी बातचीत हुई है, तो बटा हुआ वोट है, जो सवर्ण तबका है, जो फॉरवर्ड लॉबी है, वो पूरी तरह एक मुश्त ललन सिंह के साथ जा रहा है, लेकिन पिछड़े वोट में जो है ना अशोक महतो का दमखम दिख रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अशोक महतो मुंगेर में लीड ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्तीपुर की बात करें, अशोक चौधरी की बेटी सामवी चौधरी है, मोदी जी ने आशीर्वाद भी दे दिया था, बेटी भी कहा था, तमाम तरह की चीज़ें हैं, क्या लग रहा है सामवी चौधरी आगे निकल रही है? समस्तीपुर कांग्रेस जीत रही है शुभम, समस्तीपुर एकदम दावे के साथ हम कह रहे हैं कि समस्तीपुर कांग्रेस निकाल रही है, सन्नी हजारी जो है वो वहाँ पर लीड ले रहे हैं। हमने कहा ना कि देखिए वो सीट ऐसा है जहाँ पर कुशेश्वर स्थान है, उस विधानसभा ले लीजिए, अमन हजारी विधायक हैं, कल्याणपुर लीजिए, खुद महेश्वर हजारी विधायक हैं, अशोक कुमार वहाँ विधायक हैं, तो पूरा मिला जुला कर समस्तीपुर में तो लड़ाई एक तरफा था शुरू से। समस्तीपुर में सांभवी भले ही चिराग ने मेहनत किया, चिराग का अपना छवि है, लेकिन वही बात है कि चिराग ने जब प्रत्याशी का चयन किया उसमें जो सवाल उठाए गए वह भारी पड़ रहा है, और यही कारण है कि सांभवी चौधरी जो हैं वो वहाँ पर खासकर समस्तीपुर में शुरू से बैकफुट पर रही, और सन्नी हजारी के साथ ये भी फैक्टर रहा कि सन्नी हजारी खुद पासवान जाति से आते हैं, पासवान आबादी वहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है समस्तीपुर में, वो वोट भी चिराग के साथ नहीं जुड़कर महेश्वर हजारी के परिवार के साथ जुड़ गया, क्योंकि रामविलास के परिवार से ही आते हैं, रामविलास के संबंधी हैं, तो समस्तीपुर में तो एक तरफा लड़ाई दिखा अभी तक, जो बूथ से रिपोर्ट आया है तमाम जगहों से, कहीं का भी बात कीजिए समस्तीपुर में तो वहाँ पर, और उसे भी बड़ा फैक्टर बना कि समस्तीपुर का जो देखिए रिजर्व सीट है, लेकिन इसके बावजूद जो सवर्ण तबका है वो भी इस बार समस्तीपुर में, मतलब समस्तीपुर लोकसभा में सांभवी से कटकर सन्नी हजारे के साथ जुड़ा है, तो कांग्रेस की पारंपरिक सीट भी रही है, कांग्रेस वहाँ पर बड़ा मेहनत भी किया गया है, और ये खबर भी तो चल ही न रहा था कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर, जदयू अंदर ही अंदर महेश्वर हजारी का साथ दे रहे थे, इस खबर पे शायद 4 जून को मुहर भी लग जाएगा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट है कि यही समस्तीपुर एक तरफा हुआ है और वहाँ पर सन्नी हजारे जो है वो बड़े मार्जिन से लीड ले सकते हैं। उजियारपुर नित्यानंद राय हैं सामने, आलोक मेहता है, क्या कुछ कहिएगा, क्या लग रहा है? देखिए आलोक मेहता वहाँ आगे हैं, अभी तक जो रिपोर्ट आया है, शाम के 6 बजने वाले हैं ना, अभी तक जो रिपोर्ट आया है आलोक मेहता आगे हैं। देखिए वहाँ लड़ाई कुशवाहा और यादव का है, उजियारपुर की लड़ाई कुशवाहा और यादव का है, और वहाँ पर कुशवाहा, देखिए इस बार हम बार बार कह रहे हैं ये बात को कि इस बार बिहार में कई सीटों पर हार जीत का अंतर और हार जीत का फैसला कुशवाहा वोटर करेंगे, और कुशवाहा वोटर इस बार बीजेपी से नाराज हैं, कुशवाहा वोटर इस बार नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी एक भी सीट कुशवाहा को नहीं दी है, 17 सीट बीजेपी के पास है, और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कुशवाहा एक सीट नहीं दिया गया, 3 सीट नीतीश कुमार ने दिया, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है, लेकिन 7 प्रत्याशी लड़ रहे हैं महागठबंधन से, तो कुशवाहा वोटर जो है ना वो खेला कर दिए हैं उजियारपुर में, आलोक मेहता के साथ एक तरफा चला गया, और यादव वोटर जो है, मैंने कल उदाहरण दिया था एक मोहिदुनगर गांव का जो इलाका है, 67,000 आबादी है उस गांव की, 5 पंचायत आता है उस गांव में, और वहां 70% आबादी यादवों का है, कहा तो जा रहा है, जो खबर आया है कि वहां के यादव भी इस बार नित्यानंद राय के साथ नहीं है, वो आरजेडी के साथ चले गए हैं, और इसको एक दो बात और जोड़ दे रहे हैं उजियारपुर में, और इसके साथ ही साथ जो अति पिछड़ा है
उजियारपुर का। देखिए दो टर्म से एमपी हैं नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय भले ही राज्य मंत्री रहे हों लेकिन काम ऐसा कुछ नहीं किए उजियारपुर में कि जनता उनके साथ जुड़े। जिस तरह आर के सिंह है ना आरा में, वो एक उदाहरण है, बीजेपी में रहते हुए भी बहुत उनको केंद्र से मतलब नहीं रहता है, वो अपने लोकसभा पर बड़ा फोकस करके काम करते हैं। उस तरह का काम नित्यानंद राय नहीं किए हैं उजियारपुर में, और यही कारण है कि इस बार तख्ता पलट उजियारपुर में हो सकता है, आलोक मेहता वहाँ पर जीत सकते हैं क्योंकि आगे चल रहे हैं अभी तक। बेगूसराय गिरिराज सिंह हिंदुत्व चेहरा, हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन एंटी कम्बेंसी बहुत ज़्यादा था बेगूसराय में, काफ़ी वीडियो भी सामने आया था गिरिराज सिंह के विरोध में। क्या लग रहा है कि चुनाव के टाइम आज सब कुछ सही हो गया है? कहा तो नहीं जा सकता, भूमिहार वोट तो पड़ा है बीजेपी को बेगूसराय में, जो रिपोर्ट आया है भूमिहार वोट में संधमारी बीजेपी नहीं होने दिया है बेगूसराय में। लेकिन अवधेश राय को चूंकि लड़वाएं लालू यादव, माले के टिकट पर लड़ रहे हैं, वाम के टिकट पर हैं, लेकिन पिछड़ा वोट का गोलबंदी हो गया बेगूसराय में, और पिछड़ा वोट का जो गोलबंदी हुआ है जिसमें पूरा अति पिछड़ा आप ले लीजिए, बिंद, बेलदार, ठठेरा, लोहार, बढ़ई, कहाँ जितनी भी जातियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए 55 जातियाँ हैं, वो वोट जो है उसका करीब करीब 40-50% टूट कर बेगूसराय में आया है महागठबंधन की तरफ, जो रिपोर्ट आया है। तो ये बड़ा, चूंकि पिछला बार वो वोट पूरी तरह बीजेपी को गया था, पिछला बार गिरिराज सिंह जो 6 लाख वोट लाए थे, 6.25 लाख, वो वोट सिर्फ भूमिहार के चलते नहीं था, वो अति पिछड़ा इनके साथ जुड़ा इसलिए वो वोट इनको आया। लेकिन इस बार अति पिछड़ा जो है वो बड़ा टूट हो गया है, तो मान कर चले कि अगर 50% भी टूट हो गया होगा, खबर तो है कि 40-50% अति पिछड़ा टूटा है बेगूसराय में, तो वो टूटा अगर हुआ होगा शुभम, तो फिर वो सीट भी फंस रहा है बीजेपी का। मतलब बेगूसराय को भी आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि बेगूसराय सीट पर बीजेपी जो है वो लीड ले रही है। तो कुल मिला जुलाकर इस बार चौथे चरण में भी जो महागठबंधन है वो फिर से लीड ले रही है, चाहे अशोक महतो की बात कीजिए बेगूसराय से, अवधेश राय की बात कीजिए, आलोक मेहता की बात कीजिए आप वहाँ से उजियारपुर से, या सन्नी हजारी की बात कीजिए, सन्नी पासवान की समस्तीपुर से बात कीजिए, एकमात्र एक सीट है दरभंगा जिस पर क्लियर कट बीजेपी आगे चल रहा है, इसके अलावा 4 का 4 सीट जो है वो बीजेपी का फंस चुका है। चलिए तो 5 सीट पर आज मतदान था, और बड़ी खबर है कि इंडी गठबंधन 5 में से 4 सीट पर लीड ले रहा है, और चौथे चरण में भी महागठबंधन का दबदबा कायम है। तो कहीं ना कहीं बिहार में 40 सीट में 40 की 40 सीट पर जो एनडीए गठबंधन दावा कर रही है, और देश में 400 पार का जो नारा दिया गया है, वह बिहार में कहीं ना कहीं सफल होते हुए नहीं दिख रहा है। आपका क्या कहना है, किस सीट पर किसका दबदबा है, कौन प्रत्याशी जीतेगा, क्या कुछ कहना है आपका, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।